लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। आप सभी ने देखा होगा, समझा होगा कि कहीं ना कहीं आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, पैनाडेमिक सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं ये लोग कंसर्न भी है कि कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज करें, क्या ऐसा करें जिससे कि चीज़ें मैनेज हो जाएं बढ़िया तरीके से और अच्छे से। तो जिसके लिए क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उन सबसे पहले मैं आपको एक पीपीटी शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देख के बताइए कि आपको एक पीपीटी नज़र आ रही है क्या, ये देख पा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। ये आज हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसमें बताते चलिएगा, कहीं कोई किसी को कंसर्न है, कोई दिक्कत है तो हम लोग उस पर दोबारा से डिस्कस। भी किसी को कोई डाउट लगे, कोई कंसर्न लगे, प्लीज़ बोल दीजिएगा। आई हैव नो हैसल फॉर डिस सर हमारी मीटिंग। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है आज हमारा ये मेन टॉपिक। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, आजकल के ऐसे क्या हालात हैं जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना जेन्युइनली जेन्युइनली ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा मेन कॉज, मेन रीज़न है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना बहुत महंगा है। आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट में और सरकारी में जमीन आसमान का फर्क रहता है। इलाज कराना, लोगों को इलाज कराना पड़ता है, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की दिक्कत है जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। एवरीबडी नोज ये एक मेन कॉज है जिसकी वजह से दिक्कत आती है आप सभी को कि एक, और इस आम आदमी इसको जनरली मैनेज नहीं कर पाता। जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ये भी आप सभी को पता है, भी कुछ लोग आ ही रहे हैं एक्चुअल में। ये जनरली कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जब इलाज कराता है तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो उसको सही से मैनेज कर ले। जनरली ट्रीटमेंट का खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि आमदनी उसके आगे छोटी पड़ जाती है, चाहे कोई कितना भी क्यों ना कमाता हो। किसी के साथ भी छोटी बीमारी हो सकती है, किसी के साथ बड़ी बीमारी हो सकती है, और सबसे बड़ा कंसर्न जब होता है जब वो बीमारी लंबी चलती है, हॉस्पिटलाइजेशन लंबा चलता है, और ये नहीं पता होता कब डॉक्टर किस चीज़ के लिए कितना पैसा मांगेगा, तो आपके पास जो भी सेविंग होती है सब निकलनी शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके साथ साथ बीमारी या एक्सीडेंट भी बताकर नहीं आते हैं। जब भी ऐसा कुछ होगा तो आपके साथ या आपकी फैमिली में, तो विच इज अनबियरेबल एक्चुअली, इतना का बड़ा कंसर्न आएगा, इतना बड़ा खर्चा होगा, यू नेवर नो कि कब ऐसा कुछ हो सकता है। तो प्लीज ये माइंड सेट कर लीजिए, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो बीमारी हो, या कोई और एक्सीडेंट हो, जब भी होगा बिना बताए होगा, अनफॉर्चुनेट रीजन से होगा, तो आपके पास उसका कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। के घर में आजकल 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कैश पड़ा होता है, इस चीज पे भी ध्यान दीजिए। जनरली आजकल आप लोग कितना भी कमाते हो, सभी लोग हैंड टू माउथ रहते हैं, अपने कहीं उस पैसे को मैनेज करके चलते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके चलते हैं, या फैमिली के साथ उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। हर आदमी के पास जो भी इनकम होती है वो मैनेज करता रहता है, लेकिन कहीं भी बीमारी के लिए कोई फंडिंग बचा के नहीं रखता है कि कल को फैमिली में कोई बीमार होगा तो मेरे पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख अकाउंट में पड़ा रहना चाहिए। जनरली नहीं रखते हैं, लेकिन जिनके पास होते हैं, क्या वो पैसे हॉस्पिटल में देने समझदारी है? जिंदगी भर की अपनी कमाई, अपना मेहनत का पैसा जुड़ा हुआ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अगर हॉस्पिटल में लग जाए तो वो भी बहुत बड़ी सेविंग को आपको खराब कर देता है। कुछ पे होते हैं, कुछ पे नहीं होते, जिस पे नहीं होते उनके साथ बहुत ज्यादा कंसर्न्स आते हैं। बीमारियां बहुत खतरनाक और लंबी चलती हैं, जैसे कैंसर, लीवर, किडनी, न्यूरो, हार्ट की बीमारी, ये ऐसी बीमारियां दोस्तों अगर किसी की फैमिली में अगर लग जाए तो ये समझ लीजिए जिंदगी भर का ये खर्चे आपके स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ आज की डेट में किन किन बीमारियों में क्या क्या खर्चे लग रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। किसी भी तरह का अगर कैंसर है सर और नाक का, तो मिनिमम 2 लाख का खर्चा है। हार्ट की बीमारी होती है 2 से 5 लाख, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो 14 से 16 लाख रुपए का लंग ट्रांसप्लांट का खर्चा है। किसी भी तरह का हमारा ही कैंसर 2 से 5 लाख, बाईपास 2 से 6 लाख, और लीवर ट्रांसप्लांट 25 से 35 लाख रुपए तक का खर्चा नॉर्मली लगता है। तो कोई कीमोथेरेपी कराती है तो 60 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, 60 हजार से। कोई वाल्व रिप्लेसमेंट करना है 5 लाख से 10 लाख। कोई बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होना है तो 20 लाख रुपए का खर्चा। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैंसर 10 से 20 लाख। हार्ट ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 14 से 26 लाख रुपए, और किडनी ट्रांसप्लांट की अगर जरूरत पड़ गई दोस्तों तो 3 लाख से 14 लाख रुपए मिनिमम लगेंगे। ये मेरे आंकड़े नहीं है दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स के पेपर में छपे हुए आंकड़े हैं जो आजकल जेन्युइनली चल रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आएगा और इसमें कितनी इंक्रीजमेंट होगी,
इसके बारे में जैसे जैसे टाइम आएगा आपको आगे पता चलता रहेगा। ये चीजें हर साल 10 से 15% की दर से इंक्रीज हो रही हैं, रेट इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं। तो आपके खर्चे ये हर साल बढ़ने वाले, लोगों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई इलाज में चली जाती है दोस्तों। कभी कभी जेवर, जमीन जायदाद, कैश सब चला जाता है, फिर भी जिसके लिए ये पैसा खर्चा किया उसको बचा नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा सेटबैक है। ऐसा सिचुएशन अगर किसी के घर में, किसी की फैमिली में होती है तो वो घर, वो फैमिली कई साल पीछे चला जाता है अपनी तरक्की के, अपने फाइनेंशियल स्टेटस से कई साल पीछे चला जाता है, क्योंकि जो सेविंग होती है वो सब कुछ लगा चुके होते हैं और फिर दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ता है। अलावा कुछ लोगों के माइंड में कुछ ऐसे मिथ है, झूठे वहम है, जो लोगों को लगता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ऐसी चीजें होती हैं। तो मेरी वो रिक्वेस्ट है, 2 मिनट लगा के इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना, क्यों नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस तो बुढ़ापे में लेना चाहिए, अभी तो मैं फिट हूँ, अभी तो मैं हेल्दी हूँ, अभी मुझे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, जो ये परेशानी है, जो ये बीमारी है, या जो आजकल चल रहा है कोरोना चल रहा है, ये बुढ़ापे या जवानी देख के नहीं आता है। प्लीज म्यूट कर रहा हूँ मैं सभी को, म्यूट कर लीजिए सर, क्योंकि कोई भी अगर ऑन करते हैं तो फिर वो डिस्टरबेंस रहता है बाकियों के लिए। तो जो लोग ये सोचते हैं इसको बुढ़ापे में लेना चाहिए, आई एम सॉरी, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जो ये कोई भी बीमारी है, एक्सीडेंट, या जो आजकल पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना की, ये किसी भी एज में किसी को हो सकता है। तो आपकी फैमिली में जो भी सेविंग है, जो भी पैसा है, अननेसेसरी हॉस्पिटल में देने से अच्छा है एक अच्छा मेडिक्लेम लेके रखें, ताकि आपको वो पैसा, सेविंग का पैसा बच जाए और इलाज। इसके अलावा और क्या कंसर्न होता है, कुछ लोगों का क्या मिथ है कि हेल्थ इंश्योरेंस बेकार होता है, पैसा वेस्ट हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है जिस साल मेडिक्लेम लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अगर उस साल क्लेम नहीं आया तो हमारा पैसा तो जीरो हो गया, खराब हो गया, हमें तो लेने की जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं क्यों ले लिया। 1 साल 2 साल 3 साल कई बार ऐसा लगता है ना कि क्लेम नहीं आया, अननेसेसरी लेके रख लिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, अगर 2 साल आपका कंटिन्यू चल गया तो ये सोच लीजिए 2 साल के बाद आपकी सभी चीजें डे वन से कवर है। इसमें हर साल नो क्लेम बोनस मिलता है जो आपकी इन्फ्लेशन को बीट करता है। इलाज आज 2 लाख रुपए में हो रहा है, अगले साल वही इलाज 2.25 लाख या 2.5 लाख में होगा। वही सेम चीज, जो आपकी पॉलिसी आज 10 लाख रुपए की है, अगले साल वो पॉलिसी 25% बढ़ जाएगी, 10 लाख की पॉलिसी आपकी 12.5 लाख की हो जाएगी, 2.5 लाख रुपए उसमें बोनस ऐड हो जाएगा, प्रीमियम वही रहेगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। तो कभी भी ये मत सोचिए, मैं हमेशा कहता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होता है, इलाज कराना महंगा होता है। जो कैश में इलाज कराते हैं वो बहुत नुकसान में रहते हैं। मैं वही टॉपिक बोल रहा था, हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होता है ऐसा लोगों को लगता है। दोस्तों मैं उनके साथ यकीन नहीं करता, उनके साथ इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीजन है। आप जब भी किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, या आपकी फैमिली में कभी भी कोई एडमिट होता है ना, तो कम से कम 50,000 लाख 2 लाख रुपए आराम से बिना कहे लग जाते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस 15,000 10,000 20,000 25,000 में फैमिली टू फैमिली अगर डिसाइड चेक करें तो 1 साल का मिल जाता है, जो बहुत ही सस्ता है, जेनुअनली बहुत सस्ता है। 1,000 रुपये पर मंथ, 2,000 रुपये पर मंथ की एवरेज की कॉस्ट से ईयरली प्रीमियम पे करना होता है, जिससे आपका 5 लाख 10 लाख 15 लाख तक का इलाज आराम से हो सकता है, आराम से हो जाता है। तो प्लीज ऐसा माइंड में से निकाल लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होता है, बिल्कुल नहीं होता। हेल्थ इंश्योरेंस जब लेना चाहिए जब कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसा भी बहुत लोग सोचते हैं दोस्तों, क्या ऐसा होना चाहिए? छोटी सी बात बता देता हूँ दोस्तों, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, कंपनी क्या सोचती है वो बता देता हूँ। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती ही जब है जब आप फिट एंड फाइन हो, हेल्दी हो। अगर आपके साथ कोई भी बड़ी बीमारी लग जाए तो आपको किसी भी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो प्लीज इस तरह का अगर किसी को माइंड में मिथ है तो निकाल दीजिए, जब आप हेल्दी हैं, फिट है, तभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, अदरवाइज हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। कुछ लोगों की सरकारी नौकरी है, कोई प्राइवेट नौकरी है, कोई ESI कवर है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा कॉर्पोरेट पॉलिसी है, हमें जरूरत नहीं है, तो वो भी प्लीज ध्यान रखिए। जो लोग सरकारी नौकरी में, मैं उनको बता देता हूँ, ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनको जो भी ट्रीटमेंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो रीइंबर्समेंट ऑप्शन में मिलता है। अगर किसी का आज 2 लाख रुपए का हॉस्पिटल में बिल आ गया तो वो पैसा उसको अपनी जेब से अभी लगाना पड़ेगा, चाहे उसके पास अभी सेविंग हो या नहीं हो, उसको लगाना पड़ेगा, पहली चीज।
दूसरी चीज उसको वो क्लेम करने के लिए अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा, उसको 5 से 6 महीने कम से कम लगेंगे रीइम्बर्समेंट कराने में, और उसको 2 लाख का बिल पास कराने के लिए भी कम से कम 10% 20% वहां पर देना पड़ता है उसको बिल को पास कराने के लिए। तो दोस्तों वहां पे भी 20,000 25,000 40,000 आप खर्च करोगे अपने मेहनत के पैसे को, दिए हुए को वापस निकालने के लिए, तो उससे लाख गुना अच्छा है आपको अपना पॉलिसी लेके रखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं प्राइवेट नौकरी है मेरा, कॉर्पोरेट कवर है, तो वहां भी 2 लाख 3 लाख का ही कवर होता है जो जेनुअनली बहुत कम है, कवरेज ज्यादा लेना चाहिए। जो ESI कवर की बात करते हैं दैट इज फॉर ओनली लेबर क्लास। जब कभी भी आपको ESI हॉस्पिटल में इलाज कराने की जरूरत पड़ेगी तो आप वहां जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहां सरकारी वाला ट्रीटमेंट होगा। इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ आपको अपना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, विच इज जनरली वेरी वेरी यूजफुल, और आपका पैसा भी बचाएगा, आपकी सदद भी बचाएगा, और आपकी जेब से पैसा भी नहीं लगेगा एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। प्लस आगे बात कर लेते हैं, पैसा बहुत है, कुछ लोग तो इस मिथ में रहते हैं मेरे पास तो पैसा ही इतना है कि मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी जमीन है जायदाद है इतनी जगह से किराया आ रहा है, मेरी प्रॉपर्टी बहुत है, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के साथ मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, क्या आपका पैसा जो प्रॉपर्टी है, जो आपने मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, कोई भी चीज आपके पास है, क्या वो सब चीजें आपकी मेहनत की नहीं है, हराम की तो नहीं है? ऐसी चीजों को अननेसेसरी इलाज के टाइम पे बेचना पड़े, या आपके पास जो हार्ड कैश है 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख वो अननेसेसरी हॉस्पिटल में बीमारी के समय देना पड़े, क्या वो सही होगा? जो वही सेम पैसा हम लोग बचा सकते हैं सिर्फ आपके 15,000 20,000 25,000 प्रीमियम देने से, वो आपका 20 लाख 25 लाख बच सकता है, तो वो ज्यादा समझदारी है कि अपने 25 लाख को जीरो करना या 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके अपनी फैमिली के लिए जेन्युइन प्रोटेक्शन लेना, चॉइस आपके। दोस्तों लोग अपनी अपनी समझ से काम करते हैं, मैं किसी की समझ को चैलेंज नहीं कर सकता। ये मैंने आपको बताया जो अभी लोगों के मिथ थे, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, अब आपको उनकी जेन्युइन सच्चाई भी बताता हूँ कि आजकल हेल्थ इंश्योरेंस की सच्चाई क्या है, इसमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस मिलता ही जब है जब आप स्वस्थ हो, बीमार लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, या बड़ी बीमारी होने पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है। जितना जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, उतना सस्ता पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता होता है, इलाज हमेशा महंगा होता है। मैं हमेशा एक बात, 100% कैशलेस पॉलिसी मिलती है, इलाज भी फ्री में मिलता है, और सभी बड़े और छोटे हॉस्पिटल में इलाज करवा, जब कोई दोस्त या रिश्तेदार साथ नहीं देता है ना, तब यह जेन्युइनली काम करता है ऐसे टाइम पे। अभी मैं आपको लाइव सिचुएशन बता रहा हूँ, पैंडेमिक सिचुएशन है, इस टाइम में अगर किसी की फैमिली में किसी को कोरोना हो जाए, आप अपने भाई को, रिश्तेदार को, किसी भी अच्छे क्लोज फ्रेंड को कॉल कर लो और उसको बोलो मेरी वाइफ गाड़ी चलाना नहीं जानती है, एक बार आप आ जाओ, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना है, मुझे कोरोना हो रहा है, क्या कोई आएगा क्या? एनीबडी? कोरोना के केस में कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव आपको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए आएगा क्या? एनीबडी कोई बता सकता है? हेल्प करेगा जनरली कोई आज की सिचुएशन में? कोई नहीं आएगा सर, कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर हो सभी को अपनी जाएगा जान प्यारी है, सभी लोग अपनी फैमिली के साथ ठीक ठाक रहना चाहते हैं। ऐसे टाइम में यस आपके सर, पास यस सर, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, आप सिर्फ कॉल कर दीजिए, आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी, घर से ही आपको पिक करके आपको एडमिट करा देगी। अगर सिचुएशन नॉर्मल है, आजकल तो सिचुएशन अलग हो रखी है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, तो ये महामारी सिचुएशन है। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो होता तो घर से ही एम्बुलेंस आती है और अपना जाओ और अपना एडमिट हो जाओ, कोई टेंशन नहीं होती। कई बार रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, कोई पास पड़ोस वाला साथ नहीं देता, उन सभी टाइम में आपका ये इंश्योरेंस काम करेगा, आपके लिए हेल्प करेगा जब भी कोई इमरजेंसी होगी, पैसा हो या ना हो आपके पास पॉलिसी। 18 से 75 साल तक कोई भी अकेले या फैमिली के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। अकेले का मतलब कोई एक पर्सन, फैमिली का मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे 25 साल तक के। कई बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा हैं, मैं खुद हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, क्या हम लोग एक ही फैमिली में पॉलिसी ले सकते हैं? नहीं दोस्तों, दो पॉलिसी मिलेगी, मम्मी पापा के लिए अलग मिलेगी, हस्बैंड वाइफ और बच्चे के लिए एक पॉलिसी मिलेगी, इस तरह से दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। कुछ लोग बोलेंगे मेरा हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, मेरा भाई और बहन भी है, तो उनके लिए भी अलग पॉलिसी आएगा, या वो उनके पेरेंट्स के साथ अटैच हो सकते हैं अगर वो 25 साल से कम है और अनमेरिड। हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे क्या क्या हैं, सच्चाई आपको पता चल गई, अब एक बार फायदे भी समझ लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस के जबरदस्त बेनिफिट्स हैं दोस्तों, अगर आप लोग
कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो पूरा इलाज फ्री में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता और महंगा, दोनों तरह के ऑप्शंस होते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको 5 लाख का लेना है, 25 लाख का लेना है, 50 लाख का लेना है या 1 करोड़ का लेना है। तो किसी को 10 लाख का भी महंगा लग सकता है और किसी को 1 करोड़ का भी सस्ता लग सकता है। सस्ता और महंगा लोगों की पॉकेट के ऊपर अलाउ करता है। आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आपके लिए सस्ता है, जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती उसके लिए चीजें महंगी हैं। दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट, इसलिए बोला सस्ता और महंगा। अस्पताल में इलाज के समय कोई भी रूम की लिमिट और आईसीयू की लिमिट नहीं होती है। आप आराम से अपना इलाज, भी तरह की सर्जरी करवा सकते हैं, कोई भी इमरजेंसी होने, भी तरह की बीमारियां, एक्सीडेंट का इलाज करवा सकते हैं। ये भी हमारी सभी पॉलिसीज के अंदर कवर होता है। पॉलिसी 3 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का मिलती है और जिसमें आप ले सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। क्लेम नहीं लेने पर पॉलिसी हर साल इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है, जिसे हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस, जिसमें आपको नुकसान नहीं होता। पॉलिसी बड़ी होने का मतलब है आपके लिए अच्छा है, अच्छा रहता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर होते हैं जो हम लोग आगे से। अब हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है, कुछ लोग तो बाद में ज्वाइन करें उनके भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सेल्स मैनेजर हूँ स्टार हेल्थ में और पिछले 10 साल से कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जेन्युइनली लोगों को ट्रेनिंग और प्रॉपरली गाइड करने का हमारा पर्पस रहता है। ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ एजेंट जुड़े हुए हैं, 500 से ज़्यादा एजेंट्स को हम रेगुलर ट्रेनिंग्स और नॉलेज देते हैं। तो उसी के साथ साथ जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस जेन्युइनली सबसे अच्छा है, उसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस सेल करती है और कोई काम नहीं करती। ये बहुत बड़ा, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में LIC सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ सबसे बड़ी। 1 साल में 9,500 करोड़ का टर्नओवर करती है, जो पिछला साल अभी गया है 2020-21, इसमें 1 साल में 9,500 करोड़ रुपए का प्रीमियम कंपनी ने जमा किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी। कोई हैंड रेस कर रहे हैं प्लीज बता सकते हैं क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोगों को वॉइस नहीं आ रही है, अखिलेश तारे जी, मनीष जी, ओपो जी, इनका माइक ऑन नहीं है। जिनके भी ये कस्टमर्स हैं इनको फोन करके बता दीजिए, अखिलेश तारे, मनीष एंड ओपो F7, इन्होंने अभी तक माइक ऑन नहीं किया है। अविनाश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, हेलो, आपको हेलो आवाज आ रही है सर? हाँ मुझे आ रही है सर, प्लीज बोलिए। हाँ सर, मैं हामिद गुले सर है ना, इन्होंने मेरे को मीटिंग में ज्वाइन किया है तो मैंने इनको पॉलिसी के बारे में पूछा था, इन्होंने सब मुझे बता दिया। मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को, फटाफट से स्टार हेल्थ के बारे में थोड़ा गाइड कर देता हूँ ताकि फिर आपके 1-to-1 जो सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, 1 साल में जो टर्नओवर है कंपनी का 9,500 करोड़ रुपए का है, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया और शानदार है। इसके अलावा इंडिया में 792 ब्रांचेज हैं, 680 SM स्टेशन हैं और 4 लाख प्लस एजेंट हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार और बढ़िया चीज़ है। इतना बड़ा वर्किंग प्रोफाइल किसी भी कंपनी के पास इंडिया में नहीं है, जो सिर्फ स्टार हेल्थ के पास है। सबसे ज़्यादा 14,000 हॉस्पिटल नेटवर्क में हैं, टाइप्स में ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर। ये भी अपने आप में बहुत शानदार और बढ़िया चीज़ है। प्लस 100% कैशलेस सुविधा है, सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इलाज के टाइम पे, जब भी किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। कार्ड इनका बहुत यूजफुल है, आराम से कैशलेस होता है। हर साल पॉलिसी में हेल्थ चेकअप फ्री मिलता है जो आप करवा सकते हैं। प्रीमियम सभी कंपनियों से सस्ता, और जितनी उम्र कम होगी उतना प्रीमियम सस्ता होगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, एज स्लैब होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा, जैसे सभी कंपनियों में बढ़ता है यहाँ पर भी बढ़ेगा। जितना जल्दी लेंगे उतना अच्छा रहे, स्लैब होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी प्रीमियम वैसे वैसे बढ़ता है सभी कंपनियों के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 25 साल की एज में पॉलिसी ले ली तो मेरा 25 साल का वाला जो प्रीमियम है वही जिंदगी भर चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। हमारी पॉलिसी में एक बहुत जबरदस्त बेनिफिट है जिसका नाम है रीस्टोर। आप 5 लाख का पॉलिसी लेंगे तो वो पॉलिसी 20 लाख रुपए प्लस 1.5 लाख, 21,50,000 रुपए तक आपकी काम करेगी। यानी कि 5 लाख की पॉलिसी में 16,50,000 का इंश्योरेंस फ्री मिलता है, 15 लाख का रीस्टोर बेनिफिट मिलता है और 1.5 लाख रिचार्ज मिलता है। जैसे कि अगर फैमिली में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, एक बंदे के ऊपर अगर 5 लाख रुपए लग भी गए तो दूसरे बंदे के ऊपर अगेन 5 लाख रुपए उसी साल में यूज कर सकते हैं और तीसरे साल में फिर तीसरे
हम बच्चे को या किसी बड़े को जरूरत है तो फिर 5 लाख, और फिर चौथे बंदे को जरूरत है तो फिर अगेन 5 लाख यूज कर सकते हैं, ऐसा स्पेशल बेनिफिट है। 10 लाख की पॉलिसी में 40 लाख तक का यूज कर सकते हैं, 5 लाख की पॉलिसी 20 लाख या 21.5 लाख तक आप यूज कर सकते हैं। ये बेनिफिट हमारी स्पेशल पॉलिसी के अंदर मिलता है। एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज के बाद के भी सभी खर्चे हमारी पॉलिसी में कवर होते हैं। क्या जैसे कि कोई जब भी बीमार होता है कुछ ना कुछ पहले आसपास इलाज कराता है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन डॉक्टर से दवाई ली, टेस्ट कराए या कोई भी मेडिकल उसका खर्चा लगा, वो सारे खर्चे हमारी पॉलिसी में कवर होंगे। ऐसे ही हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो पूरा कार्ड से इलाज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद के भी 90 दिन तक के खर्चे, जैसे कि डॉक्टर ने बोला अभी ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, दवाइयाँ लेनी है, टेस्ट कराना है, बीच में दिखाने भी आना है, तो वो सारे खर्चे हमारे पहले और बाद के पॉलिसी में कवर। पॉलिसी में डिलीवरी का खर्चा भी मिलता है। जो लोग चाहते हैं, न्यूली कपल है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे के लिए प्लान लेना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होता है। किसी की फैमिली में एक बच्चा है और सेकंड बच्चे की प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिलीवरी वाला प्लान आप ले सकते हैं, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। 5,000 रुपये इलाज के अलावा भी पर डे मिलते हैं। जितने दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं पर डे के हिसाब से हमारी कंपनी 5,000 रुपये रोजाना आपको प्रोवाइड करती है। ये भी एक स्पेशल फीचर है जो सिर्फ स्टार हेल्थ कंपनी के अंदर मिलता है। इसके लिए एक स्लाइटली प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जो आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो मिलता ही है अगर एक्सीडेंट की डेथ हो जाती है। मैंने बोला एक्सीडेंट की वजह से इलाज तो मिलेगा ही मिलेगा हॉस्पिटल में, जितने का पॉलिसी लिया है, भगवान ना करे डेथ हो जाती है उस पर्सन की, तो जितने लाख की पॉलिसी है, 5 लाख 10 लाख 25 लाख, उतने लाख रुपए फैमिली को भी अलग से मिल जाते हैं। दिस इज द वेरी वेरी यूनिक बेनिफिट जो हमारी पॉलिसी सिर्फ स्टार हेल्थ में मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कुछ कंपनियों में 1 साल के बाद कुछ प्लान में और हमारे कुछ प्लान में 2 साल के बाद कवर होती हैं। जैसे उन बीमारी का नाम है कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सब चीजें सभी कंपनीज के अंदर 2 साल के बाद कवर होती है। हमारी एक स्पेशल पॉलिसी आती है वहां पर 1 साल के बाद भी कवर होती है और बाकी सभी प्लान में 2 साल। ऐसी पुरानी बीमारियां भी होती हैं जैसे किसी को बीपी होता है, शुगर होता है, अस्थमा होता है, थायराइड होता है और वो सामने से डिस्क्लोज करते हैं, तो उस पॉलिसी में हमारी अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग टाइम के बाद कवर होगा। किसी में 1 साल के बाद, किसी में 3 साल के बाद और किसी में 4 साल के बाद वो बीमारी कवर होगी। ऐसा सभी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड लगता है, यहाँ पर भी लगेगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने आपको स्टार हेल्थ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, समझाया, बताया। जानना चाहूंगा पहले यहाँ तक आप सभी को मेरी बातें समझ में आई, किसी को कोई यहाँ तक कोई डाउट या कोई ऐसी चीज लगी हो जो उनको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और प्लीज अपना रिव्यू जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें आप अच्छा सा बुरा सा फेस बना सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाया, आपको वो सब चीजें समझा पाया जिसके लिए आप इस मीटिंग में आए हैं। तो प्लीज थोड़ा सा रिव्यू दीजिए, प्लीज बताइए कि हाँ आप लोगों को जनरली चीजें समझ में आई। पीयूष तमार जी आप बोलिए, इतने उनकी आवाज में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, नेटवर्क सही नहीं है वहाँ। पीयूष जी बोल सकते हैं आप। हाँ सर। सर मैं पूछना ये चाहता था जी कि किडनी स्टोन है, ठीक है, फिर अपना जो आइस का मोती होता है, ऑपरेशन भी इसमें इंक्लूड है? हाँ ऑपरेशन इंक्लूड है सर। और उसका कितना बड़ा स्टोन है सर, कितने टाइम से है, उसका साइज होता है किडनी स्टोन में? क्या क्या बीमारी है उस सब का, क्या क्या बीमारी कवर करते हैं, उनका एक पैम्फलेट आता है वो मिल सकता है हमें? हाँ बिल्कुल मिल सकता है सर, उसकी पूरी डिटेल, पूरी पीपीटी okay. आपको मिल सकती है जिसमें आप समझ सकते हैं। अभी एज कितना होगा आपका? 29। तो हमारे पास एक स्पेशल प्लान आता है जिसका नाम है यंग स्टार गोल्ड। आपको okay. मैं रिकमेंड करता हूँ आप अकेले के लिए या फैमिली के लिए वो प्लान ले लीजिए। उस प्लान okay. के अंदर किडनी स्टोन 1 साल के बाद ही कवर है, बाकी सभी right. प्लान के अंदर 2 साल के बाद कवर होगा और डिस्क्लोज okay. करेंगे तो 4 साल के बाद कवर होगा। और मेरा 2 साल का मेरा HDFC अर्गो से इंश्योरेंस अभी है, 1 साल का भी पेंडिंग है अभी, ठीक है। तो क्या मेरा 5 लाख का वो है? हाँ। और मैं ये ले रहा हूँ तो मेरा वो पहले 5 लाख का वो उसमें मैं क्लेम कर पाऊंगा या इसमें भी? सर वहाँ पर भी 2 साल वेटिंग है आपका, अभी 1 ही साल हुआ है आपको, तो वहाँ पे 2 साल के बाद आप कर पाएंगे? नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, किडनी स्टोन नहीं बोल रहा हूँ, मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हुआ है बाई चांस। सर बाकी सब चीजें कवर हैं, मैं किडनी स्टोन की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं कि आपने किडनी नहीं, नहीं मान लीजिए मुझे वो कोरोना हो या कोई भी बड़ी बीमारी हो, वो सब चीजें आपका पहले 30 दिन के बाद ही कवर हो जाती है। जो पुरानी बीमारी नहीं है
वो सारी चीजें 30 दिन के बाद कवर होती है सभी कंपनीज के अंदर, और नई बीमारी 30 दिन के बाद कवर है। पुरानी बीमारी कोई है तो उसका वेटिंग पीरियड लगेगा, स्पेसिफिक बीमारी कोई है तो उसका वेटिंग पीरियड लगेगा। नहीं नहीं वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मान लीजिए मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और मुझे 10 लाख का मेरा खर्च हुआ है हॉस्पिटल में, जी तो 5 लाख मेरा HDFC पे करेगा और 5 लाख स्टार पे कर सकते हैं या ऐसा नहीं हो नहीं सर, पाएगा? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। वो डाउट है मेरे को। ओके, मैं बताता हूँ सर आपको। एक्चुअल में होता क्या है, आपको दोनों कंपनी का अगर बेस प्लान लेंगे तो एक ही कंपनी का बेस प्लान काम करेगा, चाहे स्टार का काम करवा लीजिए या HDFC का। आपको अगर बेस पॉलिसी चल रहा है तो आई विल बी रिकमेंड आपको सुपर टॉपअप प्लान लेना है, ना कि बेस पॉलिसी। और अपने में सुपर टॉपअप है ना? हाँ बिल्कुल है सर, बहुत सस्ता है, पूरी मार्केट में सबसे सस्ता है। आपका वहाँ 5 लाख का चल रहा है तो उसके ऊपर आप 10 लाख भी ले सकते हैं, 20 लाख भी, 25 लाख भी, 50 लाख भी और 1 करोड़ भी, इट्स अप टू यू। बहुत सस्ता और बढ़िया प्रीमियम है। जितने का आपका बेस प्रीमियम आ रहा है वहाँ पे 15-16 हज़ार के आसपास दिया होगा, 10-12-15 हज़ार रुपये, तो यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये की रेंज में आपको आराम से सुपर टॉपअप मिल जाएगा। ओके ओके थैंक यू सर। जी थैंक यू, फिर वो दोनों पॉलिसी एक साथ काम करेगी। हाँ एनीबडी, जी बंटी जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बोलिए। जैसे मैं बोल रहा, जैसे मेरी आज एज 22 इयर्स, तो आज से 7 साल बाद भी मेरा प्रीमियम सेम रहेगा या फिर बढ़ेगा अगर मैंने प्लान अभी ले रखा है तो? सर एज स्लैब है, 25 के बाद से एज स्लैब चेंज होगा, फिर 35 साल के बाद एज स्लैब चेंज होगा, तो जैसे जैसे एज स्लैब चेंज होगा प्रीमियम बढ़ेगा किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी प्लान के अंदर। ठीक है सर, एनीबडी जी थैंक यू। हाँ जी और कोई सर ऑप्टिमा प्लान ले, उसमें कोरोना कवर है ना? हाँ सभी प्लान में कोरोना कवर है सर, अलग से लेने की जरूरत तो नहीं ना? नहीं अलग से लेने की कोई जरूरत। ठीक है सर, दो डाउट। जी थैंक यू थैंक यू। प्लीज बोलिए एनीबडी, किसी ने कुछ और पूछना हो, अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करना हो, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, एज क्या है, कौन सा प्लान उनके लिए अच्छा रहे, क्या लेना चाहिए, जैसे कि अभी किसी ने बताया, कोई पूछ रहे थे एंजियोप्लास्टी है किसी को, प्लीज पूछिए, बात कीजिए, जो अभी पूछ रहे थे कि एंजियोप्लास्टी के लिए। हाँ बोलिए मैडम प्लीज बोलिए। आज आपका प्रेजेंटेशन सुन के मतलब बहुत ही बढ़िया आपका आज प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। योर गुड नेम? माया चौहान। माया चौहान जी, थैंक यू सो मच माया जी। तो अच्छा लगा, मुझे लगा मेरी मेहनत सफल हो गई, मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट बार सर मैंने ऐसा सेशन लिया है अभी तक। वैसे हम लोग भी आयुर्वेदा से जुड़े हुए, लेकिन सर फैमिली के अंदर अभी तक हम लोगों का कोई भी ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। और हस्बैंड ने मेरे को बोला अगर आपको समझ में आता है तो अपन कल ही ले लेंगे, तो मेरे को आपका बहुत ही अच्छा लगा सर। लेकिन मैं ये पूछ रही थी, मेरा क्वेश्चन था कि मिलते ही क्यों, मतलब अभी तक जितने तो भी अपने को प्लान बताते हैं तो इस हेल्थ ही बेनिफिशियल जैसे आपने बताया प्लान में, तो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब बहुत बड़ा कंपनी है हेल्थ के मामले में, तो सर ठीक लेते हैं नो डाउट। लेकिन सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मेरे दो बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं, चारों का सेम एक ही प्लान में हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। हस्बैंड का क्या एज होगा और आपका क्या एज है? हाँ मेरा एज है सर 31 और मेरे हस्बैंड 35 उनका एज है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि आज से 3 साल पहले उनका एंजियोग्राफी हुआ है, फर्स्ट बार उनको माइनर अटैक आया था। अच्छा हाँ 3 साल हो चुके हैं पर अभी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं चल रहा है उनका, वो प्रॉपरली ठीक हो चुके हैं। जो एंजियोग्राफी हुआ था, एंजियोप्लास्टी हुआ है, एंजियोग्राफी हुआ है उनका? हुआ है सर, माइनर अटैक था और एंजियोग्राफी हुआ था उनका। ओके तो उसमें ब्लॉकेज वगैरह आया होगा, कोई स्टंटिंग वगैरह तो नहीं हुआ है उनका? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ब्लॉकेज था तो वो उन्होंने जो उनको ब्लड पतला करने के जो इंजेक्शन लगाए थे उनसे उनका बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट हो चुका है सर आज से करीब पहले, तब से अभी तक तो कोई मेडिसिन नहीं चल रहा है हमारा, नॉर्मल हम लोग लेते हैं घर का। बहुत बढ़िया मैम, आप किन के थ्रू आए हैं? जी आर मंडलोई सर है हमारे। बहुत बढ़िया है मंडलोई जी, बहुत अच्छे हमारे एसोसिएट्स हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक दे देता हूँ, आप प्लान का नाम लिख के रख लीजिए, वैसे मंडलोई जी आपको समझा देंगे। एक हमारा प्लान आता है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इसमें आप चारों लोग एक साथ पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज का आपको सपोर्ट देना होगा, जो 3 साल पहले हस्बैंड का आपका वो सर्जरी हुआ है या सॉरी ट्रीटमेंट हुआ है, एंजियोग्राफी जो हुआ है वो रिपोर्ट चाहिए होगा, और एक 2D रिपोर्ट उसके बाद कराते हैं जब आपका वो खून पतला किया होगा, दवाइयाँ वगैरह दी होंगी, तो उसके बाद इंटरनल एक 2D इको रिपोर्ट होती है जिससे ये पता चलता है कि अब उनका सिस्टम इंटरनली ठीक है और अब उन्हें अभी कोई स्टंटिंग की जरूरत नहीं है, कोई ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास की जरूरत नहीं है।
तो वो आपको रिपोर्ट साथ में देना होगा, जो ट्रीटमेंट हुआ या जो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल हुए थे उसकी डिस्चार्ज समरी की कॉपी आपको देना होगा। तो हम पहले अप्रूवल लेंगे, उसके बाद ही पॉलिसी मिलेगा। बाकी किसी भी और कंपनी के अंदर, आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ, कोई और कंपनी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वालों को प्लान, स्टार इज द ओनली कंपनी जो नॉर्मल प्लान में आपको सब चीजें कवर करेगी। अगर पॉलिसी मिल जाती है तो हार्ट से रिलेटेड उनका कोई भी कंसर्न जो होगा वो 3 साल के बाद कवर होगा। बाकी सबके लिए कोरोना 15 दिन के बाद से कवर है, और कोई भी नई बीमारी आपका 30 दिन के बाद कवर हो जाएगी। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज, हाँ सर जी, हेलो जी, हाँ बोलिए अमित। हाँ, अगर वो एंजियोप्लास्टी वाले को दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है तो कितने दिन में कवर होगा? हार्ट को छोड़ के बाकी सारी बीमारियां 30 दिन के बाद से कवर हो जाएंगी। 30 दिन के बाद? अच्छा जी सर। हाँ ठीक है, कोई स्पेसिफिक डिजीज है, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, सोली पाइल्स, तो 2 साल के। एनीबडी, और किसी ने कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ नहीं हो, कोई ऐसी चीज जो आपका डाउट हो, प्लीज आप सब ओपन है। हाँ बोलिए। यस सर, मुझे आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहिए था। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम मतलब आपका मीटिंग अटेंड किया और बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सारा प्लान वगैरह, और मैं लेना चाहती हूँ सर आपके प्लान को, मतलब मेडिक्लेम को और स्टार हेल्थ मैं लेना चाहती हूँ मेरी फैमिली के लिए सर। और जैसे अभी माया मैम ने पूछा आपसे कि फैमिली का पैकेज ले सकते हैं क्या, तो मुझे भी सर मेरा फैमिली के लिए ही चाहिए, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी सर? मुझे सिर्फ बता दीजिए आपकी फैमिली में कौन कौन है और उनका एज क्या है, तो मैं आपको कुछ बेटर सजेशन दे पाऊंगा। मेरी फैमिली में सर हस्बैंड वाइफ और एक बेटी और एक बेटा। हम हस्बैंड वाइफ, बेटी और बेटा, वेरी गुड मैम। आपकी एज क्या होगी और आपके हस्बैंड की एज क्या होगी? सर मेरी एज है 36 और 41 मेरे हस्बैंड की है सर। ओके मैम, परफेक्ट है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। बच्चे बड़े होंगे, स्कूलिंग वगैरह कर रहे होंगे? बच्चे बड़े हैं, मेरी बेटी 16 साल की और बेटा 12 साल का है। वेरी गुड मैम, तो हमारे पास एक स्पेशल प्लान है। 41 एज पे आप फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान ले सकते हैं, और अगर आपका बजट स्लाइटली अलाउ करता है तो हमारे पास सुपीरियर प्लान है जिसका मैंने अभी 2 मिनट पहले जिक्र किया, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। वो वेरी वेरी यूनिक प्लान है। आप किन के थ्रू आए हैं स्वाति मैम? वेरी गुड, वेरी गुड। वो दोनों प्लान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है वो प्लान थोड़ा सा सस्ता और रीजनेबल है, जेन्युइनली अच्छा प्लान है। और जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो प्रीमियम कस्टमर्स के लिए, जो लोग सीनियर और या HNI कस्टमर होते हैं ना, जिन्हें जेन्युइनली पैसा खर्च करने में बिलीव होता है और अच्छी पॉलिसी लेने में बिलीव होता है, उसके जो फीचर्स है, जो फैसिलिटी है, आपको पूरी मार्केट में किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। एक सिंगल फीचर्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है वहां पर नो क्लेम बोनस मिलता है। अगर आप 10 लाख का प्लान चूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पहले साल में 25% बोनस मिलेगा और आगे के सालों में 10-10% बोनस मिलेगा। टोटल 100% तक पॉलिसी जाएगी। अगले 7 से 8 साल में आपकी पॉलिसी 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर कोई क्लेम नहीं आया तो। ये फीचर मिलता है आपका फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में। वही अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात करूँ तो वहां पर पहले साल में ही 100% नो क्लेम बोनस मिलता है। यानी कि अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है और पहले साल ही कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल वो पॉलिसी 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका प्रीमियम भी नहीं बढ़ेगा। तो डिफरेंस आपको समझ में आया स्वाति मैम? यस सर, यस सर जी। ऐसे कुछ बड़े बड़े अच्छे यूनिक फीचर हैं जो सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, अगर बजट वाइज कोई कंसर्न है तो आप फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा लीजिएगा, और बजट को आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, 1000-2000 प्रीमियम महंगा होता है उसका, तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। आई होप कि आपकी फैमिली में सब फिट एंड फाइन होंगे और किसी को कोई मेडिकल इश्यूज पहले नहीं हुआ होगा, कोई बीपी शुगर या कोई कोविड किसी को नहीं हुआ होगा अभी सिनेरियो में? तो आज तक तो कोई भी मतलब इतना बड़ा हेल्थ इश्यू आज तक फैमिली में नहीं किसी को हुआ है, आगे भी ना आए, क्योंकि आजकल माहौल खराब है, पैंडेमिक सिचुएशन है, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। और अभी आप हेल्दी हैं, फिट हैं, तो बिना देर करे प्लीज ले लीजिए, क्योंकि जिस दिन कोई इमरजेंसी हो गई, कोई एडमिशन हो गया, तो फिर कंपनी सोच के प्लान देती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अप्रूवल के बाद पॉलिसी मिलता है। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। एनीबॉडी कुछ और पूछना चाहें, बात करना चाहें? छत्तीसगढ़ के फनील जी। सर छत्तीसगढ़ के कितने कंपनी, कितने हॉस्पिटल और कौन कौन से हॉस्पिटल के साथ कंपनी का टाई अप है? बहुत सारे हॉस्पिटल है सर, कम से कम 1000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स होंगे जो छत्तीसगढ़ एरिया के अंदर हमारे पैनल में आते हैं। ऑल ओवर इंडिया में
14,000 हॉस्पिटल हैं। स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो 800 से 1000 हॉस्पिटल हैं जो आपको मिल जाएंगे। आप किन के थ्रू आए हैं पनील जी? जी मैं देवेंद्र बरांगे सर के साथ, देवेंद्र जी के साथ आए हैं। तो मैं इनको अभी उनको हॉस्पिटल की लिस्ट भेज देता हूँ आपके छत्तीसगढ़ की, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे, आपके हॉस्पिटल्स के नाम बता देंगे, उसमें एक भी परसेंट डाउट नहीं है। जितने छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स हैं आप उनको आराम से गो थ्रू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, कितने लोगों के लिए प्लान लेना चाहते हैं? मेरी फैमिली में 4 लोग हैं सर जी, मेरी मम्मी पापा और मैं और मेरी मिसेस। ओके बहुत बढ़िया सर, आप चारों के लिए प्लान ऑलरेडी लिया हुआ है या लेना है? नहीं नहीं सर, पहली बार है ये, पहली बार है। ओके तो मम्मी पापा की क्या एज होगी और आप दोनों की क्या एज है? पापा की उम्र है वही 60 साल की और मम्मी की वही 55। ओके और मेरी भी जो है 33 और मिसेस की 27। बहुत अच्छा है सर। अभी आप न्यूली मैरिड है, कोई बच्चे वगैरह नहीं है आपके? नहीं कोई नहीं। कितना टाइम हुआ है मैरिज को? 2 साल हो गए। तो अभी राइट नाउ वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं? अभी नहीं है सर, अभी नहीं है। कोई ओके ठीक है। मैं आपके लिए दो तरह के ऑप्शन है सर, एक में तो है आपकी फैमिली के लिए बात करूंगा जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं आप दोनों। हमारे पास दो प्लान आते हैं जिसमें एक में मैटरनिटी कवर होता है और दूसरे प्लान में मैटरनिटी कवर नहीं होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 साल के बाद हमारे प्लान में एक मैटरनिटी कवर का ऑप्शन आता है जिसमें न्यू बॉर्न बेबी भी 1,00,000 रुपए के लिए कवर है और डिलीवरी का खर्चा भी 50,000 रुपए तक कवर। तो वो प्लान आप अपने लिए रिकमेंड कीजिए, अपने लिए लीजिए। उस प्लान का नाम है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जो जनरली अच्छा और बढ़िया है। इसमें आप दोनों का कवर भी हो जाएगा, कम से कम 10,00,000 का लीजिएगा। इससे कम का लेंगे तो फिर आपकी लिमिट्स कम हो जाएंगी, न्यू उसकी मैटरनिटी की लिमिट्स कम हो जाएंगी, 20,000-25,000 की लिमिट पे आ जाएंगे। तो कम से कम आजकल 40,000-50,000 का कवरेज तो होना ही चाहिए, इसी के लिए मैंने आपको बोला कम से कम 10,00,000 लीजिएगा। और फादर और मदर के लिए आपने पूछा 60 और 55 साल में, तो मैं पूछना चाहूंगा मदर या फादर कोई दवाई लेते हैं क्या, कोई बीपी शुगर या किस तरह की, या आपकी फैमिली में किसी को? मदर जो है शुगर की, मदर जो है शुगर की लेती है सर। ओके और फादर? और फादर जो है मतलब उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब उनको थोड़ा सा कमर वगैरह थोड़ा सा वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सर्जरी वगैरह कभी नहीं हुई है किसी? नहीं कभी नहीं। और आप चारों में किसी को कोविड वगैरह कोरोना कभी हुआ है? नहीं। क्योंकि आजकल ज्यादा पूछना पड़ता है तो मैं उसी केस में बात करता हूँ। फैमिली उनके लिए एक स्पेशल प्लान है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, सस्ता भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। उनको आप 60 साल तक के हैं तो आराम से देते हैं, अगर वो 61 के हो गए हैं तो फिर 20% कोपेमेंट लगेगा। उनके लिए अलग लेना पड़ेगा और हम लोगों के लिए अलग? आपके लिए अलग, उनके लिए। तो उनका प्लान रहेगा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। और यहाँ पर भी वही कंसर्न है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आई विल बी रिकमेंड कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना चाहिए। जो आप अपने लिए ले रहे हैं वही उनके लिए ले, लेकिन वहाँ पे प्रीमियम का फर्क आ सकता है। उनकी एज ज्यादा है तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान थोड़ा ज्यादा महंगा लगेगा आपको और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा कंपैरेटिवली सस्ता लगेगा। तो दोनों प्लान अच्छे हैं, आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। एनीबडी प्लीज, और किसी ने कुछ पूछना हो समझना हो प्लीज यू आर ओपन, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। पाटिल मैडम आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जी मैं वही पूछ रही थी सर कि कितना क्या किस्त आएगा, कितना रहेगा, मतलब आप मुझे लेट हो गए। अच्छा थोड़ा ज्वाइन करने में लेट हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा ओहो आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए फैमिली में कितने लोग हैं और जिनके लिए आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, कौन कौन है और एज क्या है? फैमिली में तो हम सब 8 लोग हैं, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं, अगर सिंगल लेते हैं तो वो कितने का रहेगा? तो आपको मंडलोई जी बता देंगे। एज क्या है आपकी, प्रीमियम कितना, एज क्या है आपकी? 42। तो आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले सकते हैं या मेडिक क्लासिक गोल्ड प्लान ले सकते हैं, दोनों प्लान हमारे पास अवेलेबल हैं। आई विल रिकमेंड कि कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा रहेगा, अगर वो आपको प्रीमियम वाइज थोड़ा ठीक लगता है तो उसको ले सकते हैं। थोड़ा सस्ते ऑप्शन में जाना है तो अपना मेडिक क्लासिक गोल्ड ले सकते हैं, वो भी। बाकी आप मैरिड हैं सिंगल हैं? हस्बैंड नहीं है, डेथ हो गई। ओके आप सिंगल हैं, ओके ठीक है मैम, आप प्लीज उसको कंसिडर कर लीजिए। और बाकी लोगों के लिए भी कुछ सोचना चाहें तो आपको गाइड कर देंगे, प्लान बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई कुछ रहे तो मंडलोई जी प्लीज मेरे से कनेक्ट करा दीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा जी। एनीबडी और किसी ने कुछ और पूछना हो, कोई चीज समझनी हो जिसके बारे में डिस्कस करना हो, अनिता मैम आपके कोई कस्टमर हो उनसे आप पूछ लीजिए, उनको कुछ पूछना हो। अच्छा कोई बात नहीं जी, देवेंद्र जी क्या कह रहे हो? जी सर, जैसे कोई चाइल्ड जो होता है अगर फैमिली वाला टोटल प्लान लेते हैं, चाइल्ड अगर 25 साल से ऊपर हो जाता है सर,
तो हाँ, क्या उसका प्रीमियम उसका पॉलिसी अलग करना पड़ेगा? हाँ, उनकी पॉलिसी ऑटोमेटिक अलग हो जाएगी, वो मेजर हो जाएंगे और बाकी पॉलिसी अलग हो जाएगी, प्रीमियम भी अलग लग जाएगा। यस सर, ओके जी। सर जी, सवाल था। हाँ बोलिए स्वप्निल जी। एक फैमिली है, उनकी जो मतलब जो मेन हेड है अंकल जी, वो उनका एज 58 है एंड ही हैज नंबर ऑफ डिजीजेस, न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो से लेके हार्ट का बाईपास हो चुका है उनका, डायबिटीज भी है, मेनी डिजीज है, तो वो एक है और उनकी वाइफ है जिनका एज 52 है, शी इज नॉट डिजीज, उनका 52 ठीक है, और कोई भी डिजीज नहीं है उनको, और उनका एक बेटा है जो 30 इयर्स का है, तो अभी इनको कैसा कॉम्बो प्लान बनाया? सर इनके लिए ना तीन प्लान जाएंगे सर, प्लान ओके, क्योंकि उसका रीजन है, एक तो 30 साल की एज है, 30 साल में आप तो आप समझ सकते हैं कि उनको फैमिली में एक साथ कंसीडर नहीं किया सकता, फैमिली में 25 साल तक बच्चे कवर होते हैं, तो उनको यंग स्टार भी दे सकते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव भी दे सकते हैं, जहाँ उनको फिट लगता है वो प्लान उनको ऑफर कर दीजिए बेटे के लिए। जो वाइफ है उनके लिए दो प्लान ऑप्शन मिलेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव और दूसरा मेडिकल क्लासिक। तीसरा जो जो हस्बैंड है हेड ऑफ द फैमिली है उनका स्टेटस डाइसी है कि उनको पॉलिसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं चाहता तो उनको जॉइंट पॉलिसी भी ऑफर कर सकता था, लेकिन जॉइंट पॉलिसी नहीं ऑफर कर रहा हूँ, उसका लॉजिक है कि अगर उनका प्लान रिजेक्ट हो गया तो वो अपना भी कैंसिल करा देंगे। सही बात है सर, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअली आपने पॉलिसी उनका लॉग इन करा, तो अगर एक प्लान किसी वजह से रिजेक्ट भी होता है तो बाकी दोनों पॉलिसी आपका कंटिन्यू। ओके, पर फिर उनको स्टेट फॉरवर्ड लगा के चलिए, बोल के चलिए, आपके जो पेपर्स हैं, जो इतनी भी आपकी चीजों के इलाज चल रहे हैं, जो सर्जरी हुई है, जो भी वट एवर द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन या प्रीवियस सर्जरी या डिस्चार्ज समरी, वो सारे पेपर्स आपको देने होंगे। जो बाईपास हुआ है उसका 2D इको रिपोर्ट भी देना होगा, ओके, व्हिच इज मैंडेटरी, और साथ में आईडी प्रूफ के साथ आप प्रपोजल फॉर्म फिल करके हमें साथ शेयर कर दीजिए, हम उसका पहले अप्रूवल लेंगे, कंपनी अप्रूवल देगी कि ओके टू प्रोसीड, तो हम उसका पेमेंट कराएंगे, फिर सेकंड अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल जो होता है अंडरराइटर के थ्रू, वो लोग अगर इसको ओके करते हैं या कोई और फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं डिसीज से रिलेटेड, उसके बेसिस पे ही प्लान मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर सर जहां तक मैंने सुना है कि न्यूरो रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे तो पॉलिसी नहीं मिलती। सर न्यूरो में तो पॉलिसी मिलती ही नहीं है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं, अगर सभी चीजें 100% डिस्क्लोज करेंगे पॉलिसी नहीं मिलेगी, अगर कुछ डिसीज डिस्क्लोज करेंगे तो पॉलिसी मिल जाएगी। उनको मॉरेटोरियम क्लॉज समझा दीजिए कि आप पॉलिसी 8 साल कंटिन्यू चला लीजिए, 58 साल की एज है, कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है, खाली बीपी शुगर जो मेन डिसीज है उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, बाकी कोई चीज को डिस्क्लोज मत करिए, जो बाईपास हुआ है उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, हम पॉलिसी दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, कोई भी ऐसा पेपर दीजिएगा जिसमें न्यूरो वगैरह मेंशन ना हो। ओके सर, ओके ठीक है, और 8 साल के बाद कंटिन्यू आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, अगर आपने 8 साल पॉलिसी चला, पॉलिसी लेनी है तो आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, नहीं लेनी है तो आपकी राइट सर, कोई भी कंपनी नहीं देगी, हमारा काम तो है सर सही राइट गाइडेंस देना, कोई झूठ बोल के पॉलिसी नहीं देना सर। राइट राइट सर, मेरा पर्पस है स्टेट फॉरवर्ड आपको बताने का, इसी तरह से आप चलेंगे तो दो पॉलिसी कम से राइट सर, राइट राइट सर, पॉलिसी तो निकालनी है पर अननेसेसरी किसी का क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए, ये कंसर्न वो बहुत क्लियर कट है सर, ताकि किसी का क्लेम रिजेक्ट होता है वो सबसे पहले एजेंट को ही गालियां देता है, उसको लगता है कि एजेंट ने मेरे साथ गलत किया, हम लोग उस तरीके से काम नहीं करना चाहते, मैं या मेरी टीम, मैं इस चीज को लेकर बहुत स्पेसिफिक हूँ। राइट सर, ओके ओके सर, तो ऐसा कभी भी किसी के साथ हो, कोई प्लानिंग करना चाहे 10, 5, 2, 4 जितने भी कस्टमर्स हो उनके साथ हम 1-to-1 मीटिंग करते, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे निवेदन कर किया मैंने आपका संडे टाइम आपने मेरे लिए दिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं मंडलो जी, काम होना चाहिए, पर्पस है आपका काम होगा, हमें अच्छा लगेगा, हम भी कंपनी को बता पाएंगे कि हाँ हमारे एजेंट काम कर रहे हैं, बढ़िया।